अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको पुलेट कबाब बनाना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम चिकन के बोनलेस चिकन लेंगे, उसके कटिंग करके अपने घर में ही और उसको मिक्सी में उसका कीमा बना देंगे, उसको मिक्सी में पीस देंगे। हाँ, और फिर उसके बाद में ये कीमा है, देखिए हाफ के जी कीमा बना दिया है हमने मिक्सी में, ग्राइंडर में चला दिया है। फिर उसमें हम एक चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, चाट मसाला एक चम्मच, काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर आधा चम्मच। और नमक थोड़ा हमें कम डालना है, चाट मसाले में भी नमक रहता है। और फिर हम इसको अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1.5 चम्मच और पिसी हुई हरी मिर्च। इसमें जो है हम प्याज कटिंग करके एकदम बारीक बारीक निचोड़ के प्याज भी कटिंग करके डालेंगे। मैंने बारीक कटिंग प्याज काट रखा है और धनिया पुदीना की पत्ती भी कटिंग करके डालेंगे। फिर इसको इसके अंदर हम हल्का सा 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, चिकन जो है ड्राई ज़्यादा होता है। फिर हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स कर देंगे। नींबू का रस भूल गए थे, ये तो चलो हो गया। चटनी के लिए हरा धनिया डालेंगे और इसमें पुदीना की पत्ती भी है हरे धनिया के साथ, और 3-4 इसमें मिर्च डालेंगे। इसमें हम अचार का थोड़ा अचार का मसाला, थोड़ा अचार भी डालेंगे, इसी से हमारी चटनी स्पेशल बनती है। लहसुन डालेंगे और इसमें हम भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे, अच्छी बनेगी। थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ा ही डालेंगे, और इसमें हम पानी की जगह दही डालेंगे। लीजिए ग्राइंड कर दिया। अब इसमें जो है हमको ब्रेड क्रम्स ऐड करना है ताकि ये सही से हमारे कबाब बन सके। 3 चम्मच थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा, 1 चम्मच। इसको बाइंडिंग अच्छे से होएगी। हम कबाब को शेप देते हैं, पहले ऐसे करके बुलेट कबाब बना रहे हैं। अब मेरे पास फिलहाल सीख रहती, सीख डाल के बनाकर मैं अभी हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे भी चलता है। और ऐसे गोल गोल करिए, हाथ भीगे रहेंगे तो अच्छे से शेप हो जाएगा। इसी तरह से सारे बना लेंगे। अब हम अपनी गैस चालू कर देंगे और इसमें ऑयल डालेंगे, इसको फ्राई करना है हमको। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है।
तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें ये डालेंगे। अब हमारा ऑयल हीट हो गया, अब इनको ज़्यादा तेज पे गर्म नहीं करना है, हमको स्लो कर देना है। डालेंगे क्योंकि हमको एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि टूट जाए, हल्के हल्के उसको हमको स्लो कर देना है। ऐसे सेकना है, हमें उनको एकदम से जल्दी साइड चेंज नहीं करनी होगी। अब हल्के से हमें साइड चेंज कर देते हैं, हल्के से बड़ा चेयर को भी करना है कि हमारे कबाब जरा सा भी टूट ना जाए, बहुत ही चेयर को भी करना है, तो स्लो स्लो पे करना है ताकि वो अंदर तक पूरे पूरे सिक जाए, फ्राई हो जाए, अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। स्लो स्लो पे इनको ऐसे ऐसे फ्राई करते रहते हैं। अब इसी तरह ये सिक रहे हमारे कबाब, अब इसी तरह से हम सारे कबाब सेक लेंगे, फ्राई कर लेंगे शैलो फ्राई। एक तरफ कोयला हम इसको गरम, अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। हमने कोयला जो है अपना इसके अंदर एक वाटी में डाल दिया है और इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम इसको खोल देंगे, ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर भी देर तक नहीं ढक के रखना है कि जो हमारे कबाब ज़्यादा ही कड़वे हो जाए। अब एक प्लेट में हम इसको डिश में सर्व करेंगे। ये बुलेट कबाब तैयार हो गए चटनी के साथ में।